नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। पहला हम स्टडी और जॉब पर मैं आप आपका स्वागत करता हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जो हम मॉडल पेपर की सीरीज स्टार्ट की थी, उनमें से ये आज द्वितीय मॉडल पेपर है। जो स्कूल व्याख्या था राजनीति विज्ञान से, राजनीति विज्ञान का है। जो स्कूल व्याख्या था भारतीय आरपीएससी करवाती है, उनसे संपूर्ण जो न्यू पाठ्यक्रम है उस पर आधारित हमने ये मॉडल पेपर स्टार्ट किया है। तो एक मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया है, वो नहीं देखा है तो जाकर आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, आप उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज का ये द्वितीय मॉडल पेपर रहने वाला है, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, लमसम 1 घंटे का समय लग सकता है आपको इस मॉडल पेपर में। हम क्या क्वेश्चन को सीधा उत्तर ही बताएंगे, ऑप्शन जहाँ ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता होगी तो वहाँ से भी ऑप्शन पढ़े जाएंगे, और जहाँ ऑप्शन पढ़ने की नहीं आवश्यकता होगी वहाँ केवल सीधा उत्तर बता दिया जाएगा। तो आप वीडियो को रोक करके देख सकते हो, अपने मन में सोच लेना उत्तर पहले उसका, और उसके बाद है उसका उत्तर देखना, जिससे कि आपको उत्तर याद भी रह सकते हैं क्वेश्चन। तो विलंब न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के उससे पहले मैं बता देता हूँ कि आज ये द्वितीय मॉडल पेपर है, ये किसके बारे में रहने वाला है, यानी ये जो टॉपिक वाइज हम करवा रहे हैं तो ये किसके बारे में रहने वाला है, क्या क्या टॉपिक्स हैं आज क्वेश्चन आएंगे, तो उसके बारे में हम पहले बता देता हूँ। जो आज का ये द्वितीय मॉडल पेपर है, इसमें राजनीतिक सिद्धांत आएंगे, परंपरागत आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, न्याय पंथनिरपेक्षता, और जो राजनीतिक विचारक है वो होंगे मैकियावेली, होब्स, अरविंद घोष। तुलनात्मक राजनीति में न्यायपालिका, शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण संतुलन सिद्धांत, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समकालीन विश्व की अमेरिकी प्रभुत्व, उसके उपकरण, चुनौतियां, यूरोपीय यूनियन, और भारतीय राजव्यवस्था में मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है। मनोविज्ञान में आएंगे विद्यालय प्रभावशाली, दिगमकर्ता का सामाजिक और शारीरिक संज्ञानात्मक विकास, इनसे संबंधित आज ये द्वितीय मॉडल पेपर रहने वाला है। इन इन टॉपिक्स से 150 क्वेश्चन आएंगे। जो हमने पीछे करवाया था वो इससे संबंधित था, वो देख सकते हो आप वीडियो को रोक करके, यानी पहला मॉडल पेपर किस पर आधारित था। जो लास्ट में मॉडल पेपर होंगे वो सारे कॉमन होंगे, अभी हम टॉपिक वाइज करवा रहे हैं मॉडल पेपर अलग अलग टॉपिक लेकर। तो इसमें पहला क्वेश्चन रहने वाला, ब्रिटेन के उच्चन्यायालय के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रिटेन का जो उच्चन्यायालय है उसमें अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें एक में राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड लॉर्ड चीफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के उच्चन्यायालय के न्यायाधीश किसे अपना त्याग पत्र देते हैं। तो ब्रिटेन का जो उच्चन्यायालय का न्यायाधीश होता है वो किसे अपना त्याग पत्र देता है, तो दो में राइट आंसर हो जाएगा दो, लॉर्ड चांसलर को देता है। नेक्स्ट है तीन नंबर, किस देश में न्यायाधीशों का कार्यकाल आजीवन होता है। तो किस देश में है जो न्यायाधीशों का कार्यकाल है वो आजीवन होता है, तो तीन नंबर में राइट आंसर हो जाएगा एक, यूएसए में होता है। नेक्स्ट है चार नंबर, न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित विवाद कौन सा है। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन है उससे संबंधित विवाद कौन सा है, तो चार नंबर में राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर, मारबरी बनाम मेडिसन, ये क्या है न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित विवाद है। नेक्स्ट है पांच नंबर, प्रशासनिक विधि का संबंध किस देश से है। तो प्रशासनिक विधि का संबंध किस देश से है, इसमें एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस से है इनका संबंध। नेक्स्ट है छह नंबर क्वेश्चन है, किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। तो किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, ब्रिटेन, यूएसए, भारत और स्विस, तो किस में नहीं है, तो छह में राइट आंसर हो जाएगा एक, ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, और बाकी यूएसए में
भारत में और स्विस में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है 7 नंबर, न्याय का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जस्टिस किस देश में है? हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस न्याय का उच्च न्यायालय किस देश में है? तो 7 में राइट आंसर हो जाए, एक फ्रांस में है ये। नेक्स्ट है, किस विचारक ने सरकार को असेंबली, मजिस्ट्रेट और जुडिशरी नामक 3 भागों में बांटा है? तो किसने बांटा है? 8 में राइट आंसर हो जाएगा, एक अरस्तु ने बांटा है। अरस्तु ने सरकार को किस किस में बांटा है? तो असेंबली, मजिस्ट्रेट और जुडिशरी में बांटा है। नेक्स्ट है 9 नंबर, शक्ति का केंद्रीकरण चाहे एक व्यक्ति में हो अथवा संस्था में अत्याचारी शासन कहलाएगा। तो शक्ति का जो केंद्रीकरण है वो चाहे एक व्यक्ति में हो अथवा संस्था में अत्याचारी कहलाएगा, तो ये किसका मत है? तो 9 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मेडिसन का ये कथन है। नेक्स्ट है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किन क्रांतियों का दर्शन रहा है? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो किन क्रांतियों का दर्शन रहा है? तो 10 में राइट आंसर हो जाएगा, 2 फ्रांस की क्रांति का रहा है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, जिसमें 2 है यानी कूट के माध्यम से हमें उत्तर देने थे, तो इसमें 1 और 2 दोनों है, तो दोबारा देख लेते हैं। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की किन क्रांतियों का दर्शन रहा है? तो किन का रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस की क्रांति, इन दोनों का रहा है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत किस देश के संविधान में कार्य रूप में दिखाई देता है? यानी जो नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत है वो किस देश के संविधान में कार्य रूप में दिखाई देता है? तो 11 में राइट आंसर हो जाएगा, 2 यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में दिखाई देता है। नेक्स्ट है 12 नंबर, शक्ति पृथक्करण से संबंधित वाद कौन सा है? यानी शक्ति पृथक्करण से संबंधित वाद कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 12 में 1, किलबोर्न बनाम थॉमसन, ये क्या है? शक्ति पृथक्करण से संबंधित वाद है। नेक्स्ट है 13 नंबर, किस विद्वान ने कहा कि हम निरंतर मोंटेस्क्यू की आदर्श आत्मा से प्रेरणा ले रहे हैं? तो किस विद्वान ने कहा था कि हम निरंतर मोंटेस्क्यू की आदर्श आत्मा से प्रेरणा ले रहे हैं? तो 13 में राइट आंसर हो जाएगा, 2 मेडिसन ने कहा था। नेक्स्ट है 14 नंबर, मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किस देश की संवैधानिक व्यवस्था से प्रभावित होकर दिया था? तो किस देश की संवैधानिक व्यवस्था से प्रभावित होकर दिया था? तो 14 में राइट आंसर हो जाएगा, 1 इंग्लैंड की संवैधानिक व्यवस्था से प्रभावित होकर दिया था। नेक्स्ट है 15 नंबर, 15 नंबर में क्या है? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के समर्थक है, तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है? तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी ये सभी है, अरस्तु, सीसरो, मार्सेलियो ऑफ पांडुआ, मोंटेक्स्यू, जॉन लॉक, बोंदा, ब्लैकस्टीन, पालोम्ब्रा, ये सभी क्या है? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के समर्थक है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जाता है? तो अमेरिका संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक किसे कहा जाता है? तो 16 में राइट आंसर हो जाएगा, 4 मोंटेक्स्यू को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमेरिका संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जाता है मोंटेक्स्यू को। नेक्स्ट है 17 नंबर, इसमें क्या है? मेकियावेली के संबंध में असत्य कथन है, यानी मेकियावेली मेकियावेली है उनके संबंध में ये कथन दिए हुए हैं, कौन सा कथन असत्य है वो हमें बताना है। देखते हैं, भाग्य एवं, 1 नंबर कथन है, भाग्य एवं सद्गुण की अवधारणा दी, जिसमें भाग्य को स्त्री और सद्गुण को पुरुष के रूप में जाना है, तो ये कथन सत्य है। 2 नंबर कथन है, सद्गुण का किला किला का विचार दिया, सद्गुण का किला का विचार दिया था, यह भी क्या है? इसमें सत्य है, 2 नंबर कथन भी सत्य है। 3 नंबर है, भाग्य अपरिवर्तनशील है, भाग्य क्या है? अपरिवर्तनशील है, तो यह क्या है? इसमें गलत कथन है इनका। नेक्स्ट है, भाग्य की तुलना पहाड़ी एवं जंगली झरने से भी करता है, तो ये सत्य है, तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो 3 नंबर कथन असत्य है, और बाकी 1 2 4 क्या ये सत्य है। नेक्स्ट है, मैकियावेली को बुराई का विरोध
वीक्षक किसने कहा है? तो मैकियावेली को बुराई का वीक्षक किसने कहा है? तो 18 में राइट आंसर हो जाएगा ए, लियो लियो स्ट्रॉस ने कहा है। किसने कहा है? लियो स्ट्रॉस ने कहा था। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, मैकियावेली के संबंध में असत्य विचार कीजिए। तो मैकियावेली के संबंध में ये कथन दिए हुए हैं, उनमें से असत्य कथन कौन सा है वो हमें बताना है। विवर्धन का सिद्धांत दिया, राज्य का विस्तार का, ये दोनों ही क्या है इसमें सत्य है, यानी विवर्धन का सिद्धांत भी दिया था और राज्य का विस्तार का सिद्धांत भी दिया था। नेक्स्ट है मैकियावेली ने सौसत एवं असौसत राज्यों का वर्णन किया था, ये भी किसमें क्या है सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है मैकियावेली भाड़े का सैनिक का समर्थन करता है, ये क्या है इसमें गलत दिया हुआ है। तो असत्य कथन पूछा था, ये कथन असत्य है और बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है द प्रिंस के संबंध में सत्य नहीं है, जो द प्रिंस पुस्तक है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो हमें बतानी है। द प्रिंस क्लोरेंस के शासक लोरेंजो ने मेडिची को समर्पित है। द प्रिंस पुस्तक है वो किसने समर्पित है? तो कोलेरेंस के शासक लोरेंजो द मेडिची को समर्पित है। तो ये क्या है इसमें सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है द प्रिंस सशक्त व निरंकुश शासक का समर्थन करती है, ये भी सत्य है। 3 नंबर है द प्रिंस में रोमन साम्राज्य के पतनशील व्यवस्था का वर्णन है, इसमें द प्रिंस में रोमन साम्राज्य की पतनशील व्यवस्था का वर्णन है। तो ये क्या है इसमें प्रिंस के बारे में गलत कथन दिया हुआ है। नेक्स्ट है द प्रिंस के में राजा के गुणों व कर्तव्यों का वर्णन है, ये भी सत्य है। तो सत्य है 1, 2 और 4 सत्य है, जो 3 नंबर कथन है ये क्या है असत्य दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है मैकियावेली के संबंध में सत्य है, तो मैकियावेली के संबंध में सत्य कथन कौन सा है वो हमें बताने हैं। 4 कथन दिए हुए हैं, संपूर्ण रेनेसा मैकियावेली में है, ये लास्ट की कहते हैं, ये सत्य कथन दिया हुआ है। नेक्स्ट है एक फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु है, ये डनिंग ने दिया था, ये भी सत्य है। 3 नंबर है युग परिवर्तन का शिशु है, शेबाई ने दिया था, ये भी सत्य है। 4 नंबर है हत्यारा मैकियावेली को हत्यारा बताया था जॉनसन ने, ये क्या है गलत कथन दिया हुआ है। इसमें 1, 2 और 3 सत्य है, तो 1, 2, 3 किसमें है 1 नंबर में, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर, कथन और कारण दिए हुए हैं, तो हमें इसे पढ़कर उत्तर देना है। होब्स का झुकाव प्रभुतावाद व शतावाद की ओर था, होब्स का झुकाव किसकी तरफ था? प्रभुतावाद एवं शतावाद की तरफ था। कारण क्या है? होब्स गृह युद्ध के दिनों में इंग्लैंड का एक व्यक्ति था। इसमें कथन और कारण दिए हुए कौन सा सही है? तो 22 में राइट आंसर हो जाएगा ए, कथन और कारण दोनों ही सही है और कथन की कारण है वह कथन की सही व्याख्या करता है, तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर, मैकियावेली अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक द प्रिंस किस शासक को सौंपना चाहता था? तो किस शासक को सौंपना चाहता था? तो 23 में राइट आंसर हो जाएगा ए, लोरेंजो दी मेडिसिनी को सौंपना चाहता था, ये पीछे क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देख लेना, आए हुए क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, मैकियावेली विश्वास करता है, तो मैकियावेली विश्वास करता है तो किस पर विश्वास करता है मैकियावेली? 24 में राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्य की सर्वोच्चता एवं सुरक्षा में विश्वास करता है। नेक्स्ट है मैकियावेली से कौन प्रभावित था, मैकियावेली से कौन प्रभावित था? तो 25 में राइट आंसर हो जाएगा ए, सीजर ब्रिजिटिया, ये क्या है मैकियावेली से प्रभावित है था। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है? होब्स से संबंधित कथनों को सम्मिलित नहीं है, तो होब्स से संबंधित कथनों को सम्मिलित नहीं है वो बताने हैं, तो इसमें देखते हैं नगर निरंकुशता की स्थापना वाहन, तो वाहन का कथन क्या है? नगर निरंकुशता की स्थापना की है, होब्स के बारे में कहते हैं ये। 2 नंबर है मेल्सबरी का महारक्षक कावले ने कहा था, ये भी सत्य है। 3 नंबर है होब्स का दर्शन विद्रोही की प्रश्नोत्तरी है, क्लेरेंडन ने कहा था, यह भी सत्य है। लास्ट है लेवियाथन क्रॉमवेल की चापलूसी में लिखा ग्रंथ कावले, ये क्या है इसमें गलत कथन दिया हुआ है। 1, 2, 3 इसमें सही कथन दिया हुआ है और 4 नंबर है ये क्या है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 27 नंबर, होब्स के चिंतन की राजनीतिक विज्ञान को सबसे बड़ी देन है, तो
हॉब्स के चिंतन की राजनीतिक विज्ञान को सबसे बड़ी देन है, तो कौन सी देन है? तो 27 में एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाद है। नेक्स्ट 28 नंबर, 28 में क्या है, हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में किस शासन प्रणाली का समर्थन किया है? तो किस शासन प्रणाली का समर्थन किया है? तो 28 में राइट आंसर हो जाएगा, तीन निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। नेक्स्ट है 29 नंबर, अधिकतम लोगों के अधिकतम हित के लिए उपयोगितावादियों ने लेवियाथन की नाक में नकेल डाल दी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो 29 में राइट आंसर हो जाएगा, ये सर फेडरिक पावलक पालक का ये कथन है। नेक्स्ट है 30 नंबर, 30 नंबर में क्या है, होप्स से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। होप्स से संबंधित कथन है उस पर विचार करना है, और सही है कथन है वो हमें बताने हैं। तो राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, ये क्या है? गलत है, होप्स राज्य एक प्राकृतिक संस्था नहीं बताता है। नेक्स्ट है होब्स असीम प्रभुता का समर्थक है, यह सत्य है। नेक्स्ट है होब्स के अनुसार प्राकृतिक और राजनीतिक जगत मूलतः यंत्र है, यह भी सत्य है। इसमें दो और तीन सत्य है, एक नंबर गलत है। तो दो और तीन किसमें, तीन नंबर में ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, तो वो देखते हैं होब्स के सामाजिक समझौते के संबंध में विचार करें। तो जो होब्स का सामाजिक समझौता था उसके संबंध में कथन दिए हुए कौन से कथन सत्य है वो हमें बताने हैं। तो देखते हैं, राज्य समझौते का भाग नहीं है, उसके पास अधिकार है कर्तव्य नहीं है, ये सत्य है। नेक्स्ट है होब्स का समझौता सामाजिक होब्स का समझौता सामाजिक एवं राजनीति दोनों है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट 3 नंबर है, प्राकृतिक अवस्था समाज पूर्व थी परंतु राज्य पूर्व नहीं थी, ये क्या है? इसमें गलत कथन दिया हुआ है। तीसरा चौथा है, समझौता भंग होते हैं वापसी प्राकृतिक अवस्था आ जाएगी, ये भी सत्य है। तो इसमें एक दो और चार सत्य है, एक दो चार किसमें, एक नंबर में ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर, 32 नंबर में क्या है, कथन व कारण दिए हुए हैं, इनको पढ़ के उत्तर देने हमें। होब्स का सामाजिक व राजनीतिक समझौता दोनों है, होब्स का समझौता राजनीतिक सामाजिक एवं राजनीतिक दोनों है, ये कथन दिया हुआ है। कारण क्या है इसमें, प्राकृतिक अवस्था समाज पूर्व थी परंतु राज्य पूर्व नहीं थी, तो ये कथन और कारण दिए हुए। तो 32 में राइट आंसर हो जाएगा, तीन कथन सही है, कारण गलत है। तो ये कथन सही है केवल, ये कारण है ये गलत है दिया हुआ है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दार्शनिकों का सम्राट एवं एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा का समन्वय किसे कहा जाता है? तो भारतीय दार्शनिकों का सम्राट एवं एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा का समन्वय किसे कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 33 में एक नंबर, रोमारोला ने महर्षि अरविंद को कहा था। नेक्स्ट है, महर्षि अरविंद की रचना नहीं है, तो महर्षि अरविंद की रचना कौन सी नहीं है वो हमें बतानी है। तो 34 में राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर गोथा प्रोग्राम ये नहीं है, जो तीन है वो कौन सी है, लाइफ डिवाइजन ये है, एशिया जोन गीता ये भी है, द सिंथोसिस ऑफ योगा ये भी है। ये तीनों पुस्तक हैं महर्षि अरविंद की रचना है, जो गोथा प्रोग्राम है ये महर्षि अरविंद की रचना नहीं है। नेक्स्ट है 35 नंबर, 35 नेक्स्ट है 35 नंबर, अरबिंदो के बारे में असत्य कथन है, अरबिंदो के बारे में असत्य कथन कौन सा है वो हमें बताना है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा 35 में 4 नंबर, राष्ट्र संघ की अवधारणा है, ये क्या है? अरबिंदो के बारे में असत्य कथन है, तो असत्य कथन है वो देखते हैं। मानव चक्र क्रम सिद्धांत दिया था, ये भी सत्य है। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत ये सत्य है। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत ये भी सत्य है। जो 4 नंबर है राष्ट्र संघ की अवधारणा, ये इन्होंने नहीं दिया था। इसमें एक दो तीन सत्य है और 4 नंबर गलत है, तो ऐसे पूछा था, तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, अरविंद घोष के संबंध में सत्य कथन है, अरविंद घोष के बारे में सत्य कथन है, मैं तो कूट के माध्यम से हमें उत्तर देनी है। तो देखते हैं कूट के माध्यम से क्या क्या कूट दिए हुए इसमें। उन्होंने अपनी रचना द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिट में विश्व संघ की अवधारणा प्रस्तुत की थी, ये सत्य है। नेक्स्ट है
ह्यूमन साइंस व द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी में राजनीति से संबंधित विषय है, ये भी सत्य है। 3 नंबर है, मानव चक्र क्रम सिद्धांत का वर्णन द लाइफ डिवाइन में है, ये क्या है, इसमें गलत दिया हुआ है। इसमें एक और दो सत्य है, तो एक और दो किसमें है, 3 में है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 37 नंबर, अरबिंदो का भारत का खतरनाक व्यक्ति किसने कहा था, तो अरबिंदो को भारत का खतरनाक व्यक्ति किसने कहा था, तो 37 में राइट आंसर हो जाएगा, ए लॉर्ड मिंटो ने कहा था। नेक्स्ट है, राष्ट्र एक धर्म है जो ईश्वर प्रदत्त है, राष्ट्र एक धर्म है जो ईश्वर प्रदत्त है, ये किसने कहा था, तो 38 में राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर अरविंद घोष ने कहा था। नेक्स्ट है 39, महर्षि अरविंद को किसने हमारे युग का पैगंबर कहा है, तो महर्षि अरविंदो को किसने हमारे युग का पैगंबर कहा है, तो 39 में राइट आंसर हो जाएगा, ए फ्रेडरिक स्पेसबर्ग ने कहा था। नेक्स्ट है 40 नंबर, अरविंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से तात्पर्य है, तो अरविंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है, तो कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है, तो 40 में देख लेते हैं कौन से कूट सही है इसमें, तो ये तीनों ही कूट सत्य है, देख ले। राष्ट्रवाद आस्था का विषय है, राष्ट्रवाद क्या है, आस्था का विषय है, ये सत्य है। 2 नंबर है, राष्ट्रवाद मनुष्य का धर्म है या ईश्वर की देन है, ये भी सत्य है। 3 नंबर है, भारत माता के पांव में पड़ी गुलामी की बेड़ियां को काटना यही राष्ट्रवाद है, ये भी सत्य है, तो ये तीनों कथन सत्य है। तो कूट किस में तीनों दिए हुए वो देख लेते हैं, इसमें दिए हुए 1, 2, 3, ये तीनों ही सत्य है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है, कूट के माध्यम से हमें उत्तर देने हैं, तो देख लेते हैं कथन पढ़ने से पता चल जाएगा कि कौन सा कथन असत्य है। इसमें 41 में राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर 2 और 3 है वो असत्य है, 1 नंबर ये गलत है और ये भी गलत है, तो सत्य कौन सा है, 1 है, तो वो सत्य है, वो देख लेते हैं। आधुनिक सिद्धांतकार राजनीति को मनुष्य की एक विशेष गतिविधि मानता है, ये 1 असत्य है, 2 और 3 कथन इसमें असत्य है, तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, राजनीति की भाषा इस ढंग से गढ़ी जाती है जिससे झूठ भी सच लगने लगे और हत्या भी एक महान कार्य प्रतीत हो, किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, 42 में राइट आंसर हो जाएगा, 1 जॉर्ज आरवेल ने कहा था। नेक्स्ट है 43, शेल्डन वालिन के अनुसार परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र है, तो शेल्डन वालिन के अनुसार परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर प्रजा से संबंधित क्षेत्र ये, और 2 नंबर है राजनीतिक की जनता जनसाधारण के साथ पहचानने का प्रयास, ये 1 और 2 सत्य है और ये 3 नंबर ये सत्य नहीं है, तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 सत्य है। नेक्स्ट है 44, 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न पुस्तकों का सही क्रम व्यवस्थित करो, तो ये पुस्तकों के नाम दिए हुए हैं, इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। 1 नंबर पुस्तक है ह्यूमन नेचर ऑफ इन पॉलिटिक्स, 2 नंबर है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, 3 नंबर है साइको पैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स, इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो किस प्रकार होगी, तो 44 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 ये एकदम सही क्रम में दी हुई है। नेक्स्ट है 45 नंबर, राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक दृष्टिकोण को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है जो राजनीतिक सिद्धांत का आधुनिक दृष्टिकोण है उसे, तो 45 में राइट आंसर हो जाएगा, 3 वर्णनात्मक परिभाषात्मक उपागम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता आधुनिक राजनीति विज्ञान की है, तो कौन सी विशेषता है, तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यह समस्याओं व संघर्षों का अध्ययन करता है, 3 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा 36 में। इसमें कूट के माध्यम से उत्तर देने थे, तो तीनों ही सत्य है, दोबारा देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा विशेषता आधुनिक राजनीति विज्ञान की है, तो 1 नंबर है यह मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर देती है, यह सत्य है। 2 नंबर है यह शोध व सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध स्थापित करती है, यह भी सत्य है। 3 नंबर है यह समस्याओं व संघर्ष का अध्ययन करती है, यह भी सत्य है। तो
इसमें तीनों ही कथन सत्याद कूट के माध्यम से हमें उत्तर देने हैं। तो तीनों किस में है, तीन नंबर में है तीनों, तो ये इसके राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर। नेक्स्ट है 47 नंबर, निम्न में से कौन सही सुमिलित नहीं है, तो इनमें कौन सा सही सुमिलित नहीं है वो हमें बताना है। देखते हैं पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट, तो ये किसकी है पुस्तक, ब्रियान वेरी की है, तो ये सत्य दिया हुआ है। दो नंबर है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रोल्स की, ये भी सत्य है। तीन नंबर पुस्तक का नाम है अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ये किसकी पुस्तक है, रॉबर्ट नोजिक की, ये भी सत्य है। चार नंबर है डेमोक्रेसी एंड इल्यूजन, ये किसके है, डेविड हेल्ड की है, ये गलत दिया हुआ है। तो इसमें एक दो तीन ये सत्य है। नेक्स्ट है 48 नंबर, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो देखते हैं कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, माइकल आक्साट मानी अवस्था, ये सही सम्मिलित है। दो नंबर है हना आरटे मानवीय परिस्थितियां, ये क्या सही सम्मिलित नहीं है इसमें। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स मानवीय क्षमता व आवश्यकता, ये सम्मिलित है। चार नंबर है कार्ल पॉपर मान्य तार्किकता, ये भी सम्मिलित है, इसमें नहीं सम्मिलित है पूछा था, तो दो नंबर है इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी एक तीन चार इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, सही कथन को चुनना, तो सही कथन कौन सा है वो हमें चुनना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक नंबर इंद्रियानुभववाद का विरोधी सिद्धांत तर्क बुद्धिवाद है, तो ये सत्य दिया हुआ है। दो नंबर है भाषा शास्त्रीय दर्शन परंपरागत राजनीति सिद्धांत का आलोचक है, ये भी सत्य दिया हुआ है। तीन नंबर है पाठनवादी दृष्टिकोण राजनीतिक सिद्धांत के पाठ को उनके ऐतिहासिक संदर्भ के अध्ययन पर बल देता है, ये क्या है इसमें गलत है। एक और दो सही है, तो एक और दो किसमें, दो नंबर में ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता परंपरागत राजनीति सिद्धांत की है, तो परंपरागत राजनीति विज्ञान की राजनीतिक सिद्धांत की है, परंपरागत विशेषता है वो राजनीतिक सिद्धांत की है, कौन सी है वो बतानी है हमें, इसमें सही कूट के माध्यम से उत्तर देना है। एक नंबर है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप उपदेशात्मक है, ये सत्य दिया हुआ है। दो नंबर है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत अपने प्रतिपादक के व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण से प्रभावित है, ये भी सत्य दिया हुआ है। तीन नंबर है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक ना होकर आगमनात्मक है, तो ये क्या है इसमें गलत दिया हुआ है, इसमें केवल एक और दो ही सत्य है, तो एक और दो किसमें है, तो तीन नंबर में है, तो 50 में तीन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर, 51 में क्या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों के रूप में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उनके समर्थकों के रूप में कौन सा कथन है युग्म में सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। एक नंबर है हन्ना आरेट विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत के बीच असंगति, तो ये सम्मिलित है। दो नंबर है माइकल आक्साट अनुभव तथा दार्शनिक विश्लेषण, ये भी सम्मिलित है। तीन नंबर है जॉर्ज सेबाइन ऐतिहासिक अध्ययन उचित उपागम के रूप में, ये भी सम्मिलित है। चार नंबर है चार्ल्स मेरियम मानव व्यवहार के नियंत्रण के लिए सिद्धांत, ये क्या है इसमें सम्मिलित है नहीं है, एक दो और तीन सम्मिलित है, चार नंबर इसमें सम्मिलित है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है, तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता कौन सी नहीं है वो हमें बतानी है। तो महान मुद्दों का अध्ययन ये विशेषता है। दो नंबर मानव व्यवहार का अन्वेषण, ये क्या है इनकी विशेषता नहीं है, दो नंबर है ये गलत राइट आंसर हो जाएगा, इसमें असत्य नहीं विशेषता वो पूछी थी, तो दो नंबर है ये विशेषता नहीं है। अगली विशेषता क्या है आदर्श राज्य का अन्वेषण, ये इनकी विशेषता है। नेक्स्ट है दार्शनिक वृत्ति, ये भी इनकी क्या विशेषता है। नेक्स्ट है 53 नंबर, लियो स्ट्रॉस के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के पतन का प्रमुख कारण था, तो लियो स्ट्रॉस के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के पतन का प्रमुख कारण क्या था,
तो 53 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, राजनीति का नया विज्ञान, ये राजनीतिक सिद्धांत के पतन का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट है 54 नंबर, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के बारे में सही सुमेलित नहीं है। तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन के बारे में सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत नया तो मरा है और नया नया तो मरा रहा है, नहीं मृत प्राय है, यह पूर्णतः अस्तित्व में है। ये किसने कहा था? ब्लडेल ने कहा था, तो ये क्या सत्य है? 2 नंबर है राजनीतिक सिद्धांत पशुधर है, तो ये किसने कहा? रीमर ने कहा, यह भी सत्य है। 3 नंबर है राजनीतिक सिद्धांत मृत प्राय है, लास्ट लेट ने कहा था, यह भी सत्य है। 4 नंबर है पृथ्वी पर से राजनीतिक दर्शन तो कभी समाप्त नहीं होगा, लियो स्ट्रॉस, ये क्या है? गलत कथन दिया हुआ है। इसमें 1, 2, 3 ही कथन सत्य है, बाकी कथन गलत है इसमें। नेक्स्ट है 55 नंबर, किसने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास अभी भी राजनीति को समझने में एक महत्वपूर्ण सहायक है? तो ये किसने कहा था? तो 55 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, डन ने कहा था। किसने कहा था? डन ने। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है कि कथन कौन सा सत्य है। 1 नंबर है पथ निरपेक्षता नास्तिकता का पर्याय नहीं है, ये सत्य है। 2 नंबर है पथ निरपेक्षता सांस्कृतिक बहुलवाद की स्वीकृति है, ये भी सत्य है। तो इसमें 1 और 2 सत्य है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर, क्या निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय सेकुलरवाद की है? तो सेकुलरवाद की, भारतीय सेकुलरवाद की विशेषता कौन सी है वो हमें बतानी है। तो कूट के माध्यम से उत्तर देने हैं इसके। तो देखते हैं 1 नंबर, इसका बहुमूल्य चरित्र है, ये सत्य है। 2 नंबर, वह विशिष्ट सामुदायिक अधिकारों को स्वीकार करता है, ये भी सत्य है। 3 नंबर है भारतीय सेकुलरवाद व्यक्तियों की धार्मिक और गैर धार्मिक स्वतंत्रता और समानता से जुड़ा है, ये भी सत्य है। तो इसमें तीनों ही सत्य है, तीनों किस में? 3 नंबर में, 1, 2, 3, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ सेकुलरिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो द फ्यूचर ऑफ सेकुलरिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? 58 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, टी एन श्रीनिवासन है। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन है, उद्देशिका में संशोधन से पूर्व संविधान में किस अनुच्छेद में सेकुलर शब्द का प्रयोग किया था? तो किस में सेकुलर शब्द का प्रयोग किया था? तो अनुच्छेद 25 में सेकुलर शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है 60 नंबर, जहां धर्म के प्रभाव होने के बावजूद वैद्य अन्य धर्मों के प्रति सही सुनो रहे, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो 60 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, सेकुलर बहुसंख्यक कहते हैं। नेक्स्ट है 61 नंबर, सेकुलरवाद राज्य धर्म विरोधी राज्य नहीं है, सेकुलरवाद राज्य क्या धर्म विरोधी राज्य नहीं है और ना ही यह धार्मिक राज्य को राज्य हो सकता है, अतः धार्मिक मत मतांतरों से परे धार्मिक मामलों में तटस्थ रहता है, तो ये किसने कहा था? तो 60 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, वेक्टरमण ने कहा था। किसने कहा था? वेक्टरमण ने कहा था। 62 है, न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है और न ही करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष दावा जता सकता है, तो ये किसने कहा था? तो 62 में राइट आंसर हो जाएगा 2, जेएस मिल ने कहा था। जेएस मिल ने क्या कहा था? न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष दावा जता सकता है, तो ये किसने कहा था? जेएस मिल ने कहा था। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, प्रक्रियात्मक न्याय के बारे में सही कथन चुनना है, तो सही कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है 63 में। 1 नंबर है यह सिद्धांत बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, ये सत्य है। 2 नंबर है यह उत्पादन व वितरण के बीच अंतर नहीं करता है, ये भी सत्य है। 3 नंबर है रॉबर्ट नाजविक ने अपनी पुस्तक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में न्याय के अपने सिद्धांत की व्याख्या की है, यह प्रक्रियात्मक न्याय का उदाहरण है, यह भी सत्य है। इसमें तीनों ही कथन सत्य है, तो किसमें है? तीनों, 4 नंबर में, 1, 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 नंबर, सही कथन को चुनने, सही कथन को चुनना है, इसमें 1 नंबर है कोड के माध्यम से हमें ऊपर उत्तर देने हैं इनके। तो मेक पर्सन के अनुसार राल्स का न्याय सिद्धांत का सार्वभौमिक विवरण पेश करने की बजाय उदारवादी विवरण
विश्वासों और मूल्यों का तार्किक आधार देता है, तो ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है? दो नंबर है, सुसैन मोलर आर्किन ने अपनी पुस्तक जस्टिस जेंडर एंड फैमिली ने न्याय में नारीवाद समीक्षा पेश की है, यह भी क्या इसमें गलत दिया हुआ है? तो इसमें दोनों ही गलत है, तो दोनों किसमें इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट है 65 नंबर, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है, तो 65 में देख लेते हैं, स्पियर्स ऑफ जस्टिस माइकल, तो इसकी पुस्तक के लेखक कौन है? वाल्जर है, ये राइट आंसर है। 2 नंबर है, एन इंडोक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी मार्टिन रेम से, ये क्या है? तो इसमें गलत ये गलत है, ये सम्मिलित नहीं है। 3 नंबर है, डिफेंस ऑफ प्लूरिज्म एंड इक्वालिटी माइकल वाल्जर, ये भी सत्य दिया हुआ है। 3 नंबर है, एनार्की स्टेट एंड यूरोपिया रॉबर्ट नाजिक, ये भी सत्य है। तो इसमें हमें सम्मिलित नहीं है वो बताना था, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? 2 नंबर सम्मिलित नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ये। 66 नंबर है, छियासठ नंबर में क्या बताया गया वो देखते हैं, निम्न से कौन सी विशेषता रोल्स के अज्ञानता के आवरण की अवधारणा की नहीं है? तो निम्न में से कौन सी विशेषता है रोल्स के अज्ञानता के आवरण की विशेष अवधारणा नहीं है? तो 66 में राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर, पक्षकार अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जानते हैं, ये क्या है? अवधारणा की आवरण की अवधारणा नहीं है, तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 67 नंबर, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत से संबंधित शब्दावली नहीं है, तो जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत है उनसे संबंधित शब्दावली कौन सी नहीं है वो हमें बतानी है, ज्ञान का पर्दा ये शब्दावली है, लाग्य परंतु ये क्या शब्दावली नहीं है। 3 नंबर है, मूल अवस्थित ये भी है, और विशेष पूर्वताक्रम ये भी है, तो कौन कौन सी है? 1, 3, 4 है, मगर दो दो है इसमें नहीं है, लाख के परंतु ये शब्दावली नहीं है। नेक्स्ट है 68, कौन सा विचार संप्रदाय कानूनी प्रत्यक्षवाद का प्रतिवाद करता है? तो कौन सा विचार है वो संप्रदाय कानूनी प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन करता है? तो 68 में राइट आंसर हो जाएगा 2, ऐतिहासिक न्याय शास्त्र का प्रतिपादन करता है। नेक्स्ट है 69 में से कथन चुनना है और कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। तो नाजी के अनुसार वितरणात्मक न्याय के लिए राज्य को अधिकार देना गलत है, तो यह सत्य कथन है। 2 नंबर है, माइकल वाल्जर के अनुसार न्याय को अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर समझा जा सकता है, तो ये क्या इसमें गलत कथन है? इसमें राइट आंसर पूछा था तो केवल एक सत्य है, तो 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर, इनमें से बाजार अधिकार पर आधारित न्याय के समर्थक कौन है? तो बाजार अधिकार पर आधारित न्याय के समर्थक कौन है? तो 70 में राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 3 तीनों है, होब्स लॉक और एडम स्मिथ, ये तीनों ही क्या है? बाजार अधिकार पर आधारित न्याय के सिद्धांत के न्याय के समर्थक है। नेक्स्ट है 71 नंबर में, 71 में क्या है, निम्न में से कौन से आधार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का उपयोग करने पर राज्य द्वारा युक्तियुक्त निर्बंध की परिधि में आते हैं? तो कौन आते हैं? तो सही कूट के माध्यम से हम उत्तर देने हैं, तो 71 में राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, 4 तीनों ही, चारों ही है। कौन से वो देखते हैं, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार व सदाचार, न्यायालय की अवमानना, ये सभी क्या है? तो ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का उपयोग करने पर राज्य द्वारा युक्तियुक्त निर्बंध की परिधि में आते हैं। नेक्स्ट है 72, 72 में निम्न में से क्या संविधान के अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वचन में शामिल नहीं है? तो न्यायिक निर्वचन में शामिल कौन सा नहीं है? तो 72 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, संसदीय सर्वोच्चता, ये क्या है? शामिल नहीं है। कानून का शासन सम्मिलित है, नैसर्गिक न्याय ये भी सम्मिलित है, और युक्तियुक्त वर्गीकरण ये भी सम्मिलित है, तीनों सम्मिलित है, ये सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय द्वारा सेल्वी मामले के लिए दिए गए निर्णय 2010 में किस अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो किस अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है।
नेक्स्ट है 74, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेकपूर्ण नियंत्रण लगाने का अधिकार है, तो किसे अधिकार है 74 में? राइट आंसर हो जाएगा दो, राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है 75, उपाधि। अगला क्वेश्चन है 75, देखते हैं। उपाधि प्रदान करने के संबंध में कोई संवैधानिक उपबंध नहीं है, इसलिए संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य ने इसे प्रदान करने से इनकार कर दिया है, वह सदस्य है। तो किसने उपाधि प्रदान करने के संबंध में कोई संवैधानिक उपबंध नहीं है, तो जो उपाधियां हैं उनसे संबंधित किसने इनकार किया था, तो वह है 75 में राइट आंसर हो जाएगा एक, आर एस मुदालियर ने कहा था। नेक्स्ट है 73, अनुच्छेद 23 के तहत मानव दुर्व्यापार व बलात्कार को दंडनीय अपराध घोषित किया गया, इस विधि का बनाने की शक्ति है, तो इस विधि को बनाने की शक्ति किसके पास है? इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास ये शक्ति है। नेक्स्ट है 77 नंबर, इसमें क्या बताया, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार उप समिति का सदस्य नहीं था, तो मौलिक अधिकार उप समिति का सदस्य कौन नहीं था, तो 77 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा सरदार हनुमान सिंह, ये मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य नहीं थे। तो सदस्य कौन थे, मीनू मंसानी, दौलत राम, जयराम दास, ये तीनों क्या थे, मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट है 78, 103वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, तो 103वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, तो 78 में राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर 15(6), 15(6) अनुच्छेद ये नया जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 79 नंबर, 79 नंबर क्या कहता है, कौन सा सम्मिलित सही सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर जो कथन दिए हुए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। तो चुप रहने की स्वतंत्रता, एमनियल अल बनाम केरल राज्य, तो ये क्या है सम्मिलित है। दो नंबर है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, ये भी सम्मिलित है। 3 नंबर है नोटा का अधिकार, पीपुल्स यूनियन पार्शिवल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, ये भी सम्मिलित है। 4 नंबर है प्रदूषण मुक्त जल वायु उपयोग का अधिकार, एस सी मेहता बनाम भारत संघ, ये क्या सम्मिलित है नहीं है, तो इसमें सम्मिलित नहीं पूछा था, तो 4 नंबर है इसमें क्या सम्मिलित नहीं है। 80 नंबर है रीट के बारे में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है, तो रीट होती है उसके बारे में सही सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो उसका देखते हैं। तो इसमें बताया गया है बंदी प्रत्यक्षकरण, सार्वजनिक व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है, तो ये सही है। 2 नंबर है परमादेश, राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध जारी की जा सकती है, तो ये क्या है इसमें गलत बताया गया है, तो ये गलत है इसमें। 3 नंबर है उत्प्रेषण, यह उत्प्रवृत्ति चरण में जारी होती है, तो यह सत्य है। 4 नंबर है अधिकार प्रथा, यह मंत्रित्व कार्यालय व निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं होती है, ये भी सत्य है। तो इसमें 1, 3, 4 सत्य है, 2 नंबर है ये क्या सत्य नहीं है। नेक्स्ट है 81 नंबर, तो 81 नंबर में क्या बताया गया है, 81 नंबर में बताया गया है भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कौन सा सही है, तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा सही नहीं है ये हमारे इस बताना है, देखते हैं कौन सा सही। तो कौन सा नहीं है वो देखते हैं, विधायिका के कर्तव्यों पर निर्बंध करते हैं, कार्यपालिका के कर्तव्यों पर निर्बंध करते हैं, तो इसमें क्या है ये दोनों ही कथन सही नहीं है, तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ये दोनों ही सही नहीं है, 4 नंबर है ये राइट आंसर हो जाएगा आपके। नेक्स्ट है 82, 82 में क्या बताया गया है देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा तत्व किसी संशोधन से पहले मूलतः विद्वान था, तो कौन सा तत्व विद्वान था, तो 82 में राइट आंसर हो जाएगा 4, काम की न्याय संगत व मनोवांछित दशाएं, ये क्या है मूलतः विद्वान था। नेक्स्ट 83, नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है, तो नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव निश्चित करता है, तो कौन करता है, 83 में राइट आंसर हो जाएगा 3, राष्ट्रीय एकीकरण ये करता है। नेक्स्ट है कथन व कारण दिए हुए है, तो ये देखना है, कथन दिया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत धर्मोपदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं है, कथन दिया हुआ है, कारण है वे राज्य को कोई भी विधायनी शक्ति प्रदान नहीं करते हैं, तो इसमें क्या है कथन व कारण सही है या नहीं है, तो
84 में दो नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कथन व कारण दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन, 85 में क्या बताया, नीति निर्देशक तत्व है, निम्न में से कौन से अनुच्छेद शिक्षा से संबंधित है, तो कौन से अनुच्छेद है वो शिक्षा से संबंधित है, तो 85 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 1, 2, 3 कूट के माध्यम से उत्तर देना है, तो अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, ये तीनों शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है 86वां, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है, तो 86 में दो नंबर राइट आंसर हो जाएगा प्रमाणित कुंडागर के टी सा, ये क्या सही सम्मिलित नहीं है 86 में। और फेबियन समाजवाद, आइबर जैक्सन, ये सम्मिलित है। और संविधान का सार तत्व है ठाकुरदास भार्गव, ये भी सम्मिलित है। नेक्स्ट है ग्रीनविल अस्टिन सामाजिक क्रांति, ये भी सम्मिलित है। नेक्स्ट है 87 नंबर, निम्न में से कौन सी विशेषता नीति निर्देशक तत्व की नहीं है, तो यहाँ पर विशेषता दी हुई है वो कौन सी नीति निर्देशक तत्व की विशेषता नहीं है वो हमें बतानी है, तो 87 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ये है इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो ये क्या है विशेषता नहीं है, विशेषता कौन सी है, यह सकारात्मक होती है, यह बाध्यकारी नहीं होती है, यह राज्य के तत्व होते हैं, तीनों ये सही है, 4 नंबर ये गलत है, तो इसमें जो नहीं है वो पूछा था, तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 88, किसने कहा नीति निर्देशक तत्वों के विषय वस्तु एक सीमा तो उपनिवेशवाद विरोधी क्रांति की देन है, तो ये किसने कहा था, तो 88 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ऑस्टिन ने कहा था। 89 है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है, तो कौन सा संविधान संशोधन है वो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है, तो 89 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 43वां संविधान संशोधन नहीं है। 86वां 97वां और 44वां, ये तीनों क्या है संविधान संशोधन नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस वाद में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये किस में कहा गया है, तो इसमें चंपाकम दास दोराइजन और गोलकनाथ वाद में कहा गया है, इसमें 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 91 में क्या है, किस वर्ष यूरोपीय यूनियन यूनियन के सर्वाधिक सदस्य एक साथ बने थे, तो किस वर्ष में यूरोपीय यूनियन के सर्वाधिक सदस्य एक साथ बने थे, तो 91 में 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 2004 में बने थे। नेक्स्ट है यूरोपियन संसद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कब हुए, तो यूरोपीय यूनियन यूरोपीय संसद के प्रथम प्रत्यक्ष चुनाव कब हुए थे, तो 92 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1979 में हुए थे। 93 में न्यून में से किसे यूरोपीय यूनियन के संगठन का पहला कदम माना जाता है, किसे माना जाता है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यूरोपियन इकोनॉमी कम्युनिटी को माना जाता है। नेक्स्ट है 94, न्यून में से कौन किन देशों ने यूरोपीय संघ में सम्मिलित होते ही होते समय गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्य का त्याग कर दिया था, तो किसने गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता को त्यागा था, तो इसमें देखते हैं तो 94 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, साइप्रस माल्टा और पोलैंड ने त्याग दिया था गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्य को त्यागा था, किसने त्यागा था, साइप्रस माल्टा और पोलैंड ने त्याग दिया था। नेक्स्ट है यूरोपीय यूनियन की संस्थाओं उनके उनके स्थान के बारे में सही सम्मिलित नहीं है, तो यूरोपीय यूनियन के कुछ संस्थान है उनके बारे में यहाँ पर दिए हुए कौन सा सही नहीं वो हमें बताना है 95 में, तो देखते हैं यूरोपीय संघ पूर्ण सत्र ये स्ट्रासबर्ग में, यूरोपीय परिषद ब्रुसेल्स में, कोर्ट ऑफ जस्टिस पेरिस में, ये क्या 3 नंबर इसमें सम्मिलित है नहीं है 95 में 3 नंबर, और 4 नंबर यूरोपीय सेंट्रल बैंक फ्रैंकफर्ट में है, इसमें 1, 2 और 4 है, 3 इसमें सम्मिलित नहीं है, तो 3 नंबर बताना था तो बता दिया। 96 है निम्न में से किस संधि द्वारा यूरोपियन समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया गया, तो निम्न में से किस संधि द्वारा यूरोपियन समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया गया था, तो किसमें किया गया था, 96 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, साकेंग संधि के द्वारा नियंत्रण
समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बताया गया है, निम्न में से यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है, तो यूरोपीय यूनियन का सदस्य कौन सा नहीं है, तो 97 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, बेलारूस नहीं है, आइसलैंड नहीं है और स्विट्जरलैंड नहीं है, क्या लिथुआनिया है, ये क्या यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट है 98 नंबर, इसमें क्या बताया, 2016 में इंग्लैंड की जनता ने जनमत संग्रह द्वारा यूरोपीय यूनियन से पृथक होने का जनादेश दिया, कब से इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं रहा, तो कब से नहीं रहा है, 98 में राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 जनवरी 2021 से नहीं रहा है इंग्लैंड। नेक्स्ट है 99 नंबर, यूरोपीय यूनियन के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या है, तो वर्तमान में यूरोपीय यूनियन में कितने सदस्य देश है, तो 99 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 27 है इसमें। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन आगे, यूरोपीय यूनियन के अंतर्गत यूरो मुद्रा अपनाने वाले देशों की संख्या कितनी है, तो यूरो मुद्रा अपनाने वाले देशों की संख्या कितनी है, तो 100 में राइट आंसर हो जाएगा 19 देश है। नेक्स्ट है भारत व यूरोपीय यूनियन के बीच 15वीं शिखर वार्ता वर्चुअल कब संपन्न हुई थी, तो कब संपन्न हुई, 101 में 4 नंबर राइट आंसर होगा, 15 जुलाई 2020 को हुई थी। नेक्स्ट है यूरोपीय यूनियन के बारे में ऐसा कथन का चयन कीजिए, जो यूरोपीय यूनियन ने उनसे संबंधित कथन दिया है, असत्य कथन है उसके बारे में हमें चयन करना है, तो 102 में देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है यूरोपीय यूनियन की अपनी संसद जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए होता है, तो ये सत्य कथन है। दूसरा कथन है यूरोपीय आयोग एक नौकरशाही संस्था है जिसका कार्य यूरोपीय यूनियन के लिए की गई संधियों तथा उसके प्रावधानों का संरक्षण है, ये भी सत्य है। 3 नंबर है यूरोपीय परिषद में सदस्य देशों में विदेश मंत्री सम्मिलित होते हैं, तो ये क्या इसमें गलत है। 4 नंबर है यूरोपियन सेंट्रल बैंक यूरोपियन यूनियन की वित्तीय गतिविधियों का नियंत्रण में लेखा जोखा परीक्षण हेतु फ्रैंकफर्ट में स्थित है, फ्रैंकफर्ट में क्या स्थित है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, असत्य कथन पूछा था, तो तीसरा है वो असत्य कथन है 102 में, और बाकी 1, 2 और 4 सत्य है इसमें। नेक्स्ट है 103 नंबर, ऑपरेशन ओडिसी डॉन किस देश के तानाशाह के खिलाफ चलाया गया, तो ऑपरेशन ओडिसी डॉन है किस देश के तानाशाह के खिलाफ चलाया गया, तो 103 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, लीबिया के खिलाफ चलाया गया था। 104 है यूएसए को प्रथम गैर साम्राज्यवादी महाशक्ति किसने कहा है, तो गैर साम्राज्यवादी महाशक्ति किसने कहा था, 104 में राइट आंसर हो जाएगा लॉरेंस एच समर्स ने कहा था। नेक्स्ट है 105 नंबर, निम्नांकित में से यूएसए को किस राष्ट्रपति ने अमेरिकी नागरिकों को सैन्य उद्योग गठजोड़ के बारे में चेतावनी दिया है, तो किसने चेतावनी दिया है, तो 105 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा अपडी रूजवेल्ट ने दिया है, किसने दिया है, अपडी रूजवेल्ट ने दिया है। नेक्स्ट है 106, किसने यह विचार दिया कि प्रध्यात्या अच्छे व्यवहार के साथ साम्राज्यवाद है, तो किसने यह विचार दिया था कि प्रध्यात्या अच्छे व्यवहार के साथ साम्राज्यवाद है, तो ये किसने कहा था, 106 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज इरवाजन बगर ने कहा था। नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन, 107 में क्या है, फरवरी 2019 में यूरोपीय यूनियन की संसद ने किस देश के यूरोपीय यूनियन की सदस्य हेतु परिग्रहण की प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्णय लिया था, तो किस देश के यूरोपियन यूनियन के सदस्य हेतु परिग्रहण प्रक्रिया को स्थगित किया था, तो 107 में राइट आंसर हो जाएगा 3, तुर्की के बारे में। नेक्स्ट है 108, यूरोपीय यूनियन के ध्वज में 12 सोने के रंग के सितारे यह प्रतीक है, तो ये 12 रंग के जो 12 सोने के रंग के सितारे हैं, तो ये किसके प्रतीक है, तो 108 में 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा पूर्णतया समग्रता और एकता के प्रतीक है ये। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन, 109 नंबर है, तो इसमें क्या, यूरोपियन संघ के संदर्भ में निम्न में से कौन सी संधि का वर्ष सही नहीं है, तो यहाँ पर संधियां और वर्ष दिया हुआ, कौन सा सही नहीं है वो हमें देखना है। यूरोपीय संघ की संधि 1993 में यह सही है, मस्टरडम की संधि 1995 ये क्या सही नहीं है, और निस की संधि 2001 ये भी सही है, लिस्बन की संधि 2009 ये भी सही है, तो इसमें कौन सी सही नहीं है, तो पूछा था 2 नंबर है ये सही नहीं है।
नेक्स्ट है 110 प्रोजेक्ट फॉर द न्यू अमेरिकन सेंचुरी 2009 में से किस तत्व पर विचार करता है? ये किस तत्व पर विचार करता है? तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों ही तत्वों पर विचार करता है। अमेरिकी मातृभूमि को परिभाषित करना, अमेरिकी मातृभूमि को परिभाषित करना। 2 नंबर है कांस्टेबल की भूमिका निष्पादन करना। 3 नंबर है लड़ना और एक साथ विभिन्न क्षेत्रों में जीतना। ये तीनों ही क्या है? सही है, PNAC के बारे में। नेक्स्ट है 111 नंबर। तो 111 में क्या बताया गया है? जिस सिद्धांत के तहत ऑपरेशन इसकी फ्रीडम में जूड की कार्यवाही की रचना की गई थी उसे कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो 111 में 1 नंबर राइट आंसर है दशत या आघात व भय कहा जाता है। नेक्स्ट 112, किस अमेरिकन राष्ट्रपति का कथन है कि ईश्वर ने मुझे अलकायदा पर आक्रमण करने की प्रेरणा दी है? तो किस अमेरिकन राष्ट्रपति का कथन है कि ईश्वर ने मुझे अलकायदा पर आक्रमण करने की प्रेरणा दी है, इसलिए मैंने उस पर आक्रमण किया और मुझे सदाम हुसैन को मारने की प्रेरणा हुई इसलिए उसे मारा है। तो ये किसने कहा था? तो 112 में राइट आंसर हो जाएगा एक जॉर्ज बुश ने ये कहा था, ये जॉर्ज बुश का ये कथन है। नेक्स्ट है 113 नंबर, किसका मत है कि यूएसए एक उभयभावी महाशक्ति है? तो ये किसका मत है कि यूएसए एक उभयभावी महाशक्ति है? तो 113 में राइट आंसर हो जाएगा दो हेनरी किसिंजर ने कहा था। नेक्स्ट 114, वर्ल्ड ऑर्डर 2015 नामक पुस्तक के लेखक है? तो वेल्ड ऑर्डर नामक जो 2015 में लिखी गई है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 114 में राइट आंसर हो जाएगा एक हेनरी किसिंजर है। नेक्स्ट है, वर्तमान में अमेरिका अकेला महाशक्ति है तथा वह एकमात्र फौजदार या हाकिम है, किसने कहा है? तो 115 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा हटिंगटन ने कहा है। किसने कहा है? हटिंगटन ने। नेक्स्ट है 116 नंबर, अमेरिका को प्रथम अंतिम व एकमात्र महाशक्ति किसने कहा है? तो ये अमेरिका को प्रथम अंतिम व एकमात्र महाशक्ति किसने कहा है? 116 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा जेड ब्रेजिंस्की ने कहा है। नेक्स्ट है 117, निम्न घटनाओं अभियानों में सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर कुछ अभियान या घटनाएं दी हुई है उनकी उनके आगे संधि हुई है तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। तो देखते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्क जनवरी 1991 ये सही सम्मिलित है, ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट अप्रैल 1991 ये भी सम्मिलित है, 3 नंबर है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच 7 अगस्त 1994 ये भी सही सम्मिलित है, ऑपरेशन अपहोल्ड डेमोक्रेसी 1992 ये क्या सही सम्मिलित है? नहीं है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 117 में। नेक्स्ट है 118 नंबर, तो 118 में क्या आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध कब युद्ध किया गया था? कब युद्ध किया गया था? तो 118 में 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 11 सितंबर 2001 को किया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 19 मार्च 2003 के तहत आकाशीपो के महाजोड़ में कितने देश शामिल हुए थे? तो 119 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 40 देश सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट है 20 नंबर, अमेरिका ने अफगानिस्तान के जारी अभियान को खत्म करके सभी सैनिकों को बुलाकर पूरी तरह से कब खाली कर दिया था? तो पूरी तरह से कब खाली किया गया था? इसमें राइट आंसर हो जाएगा 120 में 2 नंबर, 30 अगस्त 2021 को, 30 अगस्त 2021 को किया गया था। नेक्स्ट है 121 नंबर, न्यूमन वर्ण को पढ़कर कोहलबर्ग के नैतिक तरक्की अवधारणा की पहचान कीजिए। तो हमने 120 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है, अब आएंगे 121 से 130 तक, 121 से 150 तक सॉरी। तो ये 121 से 30 क्वेश्चन है ये मनोविज्ञान से संबंधित हो गए, मनोविज्ञान से संबंधित है, थोड़ा ध्यान से करना ये क्वेश्चन क्योंकि ये सभी उत्तर वो सेम से यानी समान ही लग रहे हैं। तो क्लास के अंत तक जरूर से जरूर तक बने रहना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जिससे आने वाला मॉडल पेपर आपको मिलता रहे। देखते हैं अगला क्वेश्चन 121, निम्न वर्ण को पढ़कर कोहलबर्ग के नैतिक तरक्की अवस्था की पहचान कीजिए। तो कोहलबर्ग की नैतिक तरक्की अवस्था की पहचान करनी है। अंतःकरण के सब चयनित नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्य परिभाषित किया है
जो कानून व सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ये कौन सी अवस्था है? तो 121 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास, ये अवस्था है। नेक्स्ट है 122, निम्न में से कौन सा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कोष को में से एक है? तो कौन सा है? तो 122 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कोष में से एक है ये। नेक्स्ट है, निम्न में से बच्चों के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? तो बच्चों के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, तो सही कोट के माध्यम से हमें इनका उत्तर देना है। तो 123 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ये चारों ही है, मीडिया है, विद्यालय है, परिवार और पास पड़ोस, ये सभी क्या करते हैं? सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है 124 नंबर, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है तो ये सत्य है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये भी सत्य है। विकास समय के साथ साथ धीरे घटित होता है, ये भी सत्य है। विकास की सटीक गति व प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित होती है, तो ये क्या है? इसमें गलत है, दिया हुआ है। नेक्स्ट है 125 नंबर, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को खालिस्तान निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के? तो 125 में राइट आंसर हो जाएगा ए, अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य है। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के प्रदर्शन लक्ष्य के, तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 126 नंबर, निम्न रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो कौन सी है बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 126 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो वो देखते हैं, 4 नंबर है एक रूप मानकीकृत परीक्षण, ये राइट आंसर हो जाएगा। 127 में पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? 127 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, मानसिक मैप कहा जाता है। नेक्स्ट है 128 नंबर, एक उचित क्रम प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चों की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो निम्न में से कौन सी संरचना उपयुक्त कथनों को प्रकाशित करती है? ये कौन सी संरचना उपयुक्त कथन को प्रकाशित करती है? 128 में राइट आंसर हो जाएगा एक समीपस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट है 129 नंबर, निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा कारक है वो शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो 129 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन। नेक्स्ट है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक है, तो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? 130 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड है। नेक्स्ट है 131, वह अवधि जो वैश्यकता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहती है? तो वह अवधि कौन सी है जो वैश्यकता के संक्रमण की पहल करती है, वह कौन सी है? तो 131 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था है। नेक्स्ट है श्रेष्ठ हर समय अपनी साज सजा पेटिका को लेकर कांच के सामने खड़ी रहती है, उसके जिस अवस्था में होने की संभावना है तो वह है? तो 132 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, उत्तर कोशिकावस्था, उत्तर किशोरावस्था, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 133 नंबर, निम्न में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो कौन सा है जो विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो 133 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक एवं सेवात्मक विकास, तो ये सभी है इसमें। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? तो भाषा विकास से संबंध कौन सा है? 134 में 3 नंबर राइट आंसर होगा चॉम्स के। नेक्स्ट है 135 नंबर, किसने कहा कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन
डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं, तो ये किसने कहा था? इसमें 135 में राइट आंसर हो जाएगा, चॉम्स्की ने कहा था। नेक्स्ट है, विकास का सिर प्रधानोभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, तो विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है सिरपदाभिमुख में, तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सिर से पैर की ओर, क्या होता है? सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट है, 137, कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? तो अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार किस अवस्था में होता है? तो 137 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, किशोर अवस्था में होता है। नेक्स्ट है, 138, विकासात्मक कार्य के प्रत्येक प्रतिपादक थे, तो कौन प्रतिपादक थे? तो 138 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हेविग हर्स्ट विकासात्मक कार्य के प्रत्येक प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है, 139 नंबर, किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है? किशोर अवस्था में क्या होता है? मानसिक व बौद्धिक विकास होता है, तो किस प्रकार होता है? 139 में 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट है, 140, एरिक्सन के विकास सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? तो एरिक्सन के विकास सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? 140 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 8 अवस्थाएं है। नेक्स्ट है, 140 नंबर, 140, किशोर अवस्था के समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है? तो किशोर अवस्था समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है? तो 141 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 45% भार होता है। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है? तो किशोर अवस्था में चरित्र विकास है प्रभावित होता है, तो चरित्र विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है, तो वो देखते हैं। 142 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, समाज से, परिवार से और मित्र मंडली से होता है। नेक्स्ट है, 143 नंबर, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक संबंधित है? तो पद संवेगात्मक क्रांति है ये किस अवस्था से अधिक संबंधित है? तो 143 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाए, किस अवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है, 144 नंबर, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन है, तो यह कथन किसका है कि सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं? तो 144 में राइट आंसर हो जाएगा, दो होल का कथन है ये। नेक्स्ट है, 145, भाषा की सापेक्षता प्राकलन कल्पना ये प्रतिपादक है, तो भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो 145 में राइट आंसर हो जाएगा, 3 विहार्फ है। नेक्स्ट है, 146, किशोर अवस्था आरंभ होती है, तो किशोर अवस्था आरंभ कब होती है? तो 146 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 12 वर्ष से किशोर अवस्था का आरंभ होता है। नेक्स्ट है, 147 नंबर, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, तो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? पर्यावरण है, स्वास्थ्य है और आहार है, उपयुक्त सभी क्या है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं? नेक्स्ट है, ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है, तो ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना किसका भाग है? संवेगात्मक विकास का भाग है, संवेगात्मक विकास का भाग है क्या है? उत्तेजना है, किसके अनुसार है ये? ब्रिजेश के अनुसार है ये। नेक्स्ट है, 149 नंबर, कामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है, सुव्यवस्थित सुमेलित है, तो कौन सा सुमेलित है? तो 149 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, शक्ति और गति। अंतिम क्वेश्चन है, 150वां, जीवन का श्रवण काल किस अवस्था को कहा जाता है? जीवन का श्रवण काल है वो किस अवस्था को कहा जाता है? तो वो किशोर अवस्था को कहा जाता है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो ये आज है दूसरा मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया है, 150 क्वेश्चनों के 2 मॉडल पेपर हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट में बनी हुई है, वहाँ जाकर देख सकते हैं, RPSC राजनीति विज्ञान स्कूल व्याख्या नाम से, वहाँ जाकर देख सकते हैं। प्रश्नों में उत्तर देने में हम बहुत ही सावधानी है बरती है, फिर भी कोई क्वेश्चनों में डाउट हो जाता है, कोई क्वेश्चन गलत रिपीट हो जाता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आपके लिए फ्री मॉडल पेपर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, परीक्षा से पहले 15 मॉडल पेपर उपलब्ध कराने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, दिन के 1 या 2 मॉडल पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, राजनीति विज्ञान का ही मिलेगा केवल। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।